एकदम नागाने से ना लगी से दे बिस्सी सुंदर लगी से और इसमें देखते हैं क्या है ट्रेडिशनल या कानपुरी पूरा सेम इसका ड्रेस का साथ नागा ट्रेडिशनल। हाँ तो स्वागत है आप सभी को फिर से और एक नया ब्लॉग में। तो दोस्तों सुबह सुबह यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ यानी कि मिर्ची तोड़ने के लिए। मेरा बस यही काम है मिर्ची तोड़ो और सब्जी ढूंढो और खाना बनाओ और घर घर का सब सफाई करो और खेती का काम करो, बस ये मेरा काम है। और कल रात को ना हम लोग बस शिवो और हम दोनों सो गए थे। बेतुल जी तो गया था वहाँ पे मोनू का बर्थडे में क्योंकि और मुझे ना रात को डर भी लग रहा था। शिवो ने बोला भाभी मत डरो क्योंकि हम है ना ऐसे बोल रहा था वो, तो उसके बाद हम सो गए थे और सोने के बाद आ गए हैं। बितुल जी कितना 2 बजे आया था रात का, हमने उसको मना किया था इतना रात को ज़्यादा रात है ना और ऐसे भी रास्ता वगैरह ख़राब है कि मत आओ करके, और बोला हाँ हाँ ऐसे बस बोला था। और 2 बजे रात को आने के बाद मैंने पता नहीं था मुझे, मैंने तो बाइक का आवाज़ भी नहीं सुना था, बस खलुआ हूँ हूँ कर रहा था तो समझ गया कि बितुल जी आ गए हैं। और इतना उन लोग को डर भी नहीं लगता इतना रात को आ जाते हैं, मुझे तो बहुत ही डर लगता है। सोच चुके मुझे अभी भी डर लगता है क्योंकि रास्ता वगैरह बहुत ख़राब है ना और रास्ते में कुछ और हो गया था, बस ये मुझे डर लगता है। और यहाँ पे देखिए ना दोस्तों ये कालवा पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहता है, उसका साथ एक साथी भी लेके आया यहाँ पे देखिए पता नहीं कहाँ से लेके आया है ये कालवा। टुक टुक को टुक टुक और काली को तो वहाँ पे छोड़ के आया मम्मी का घर पे, और ये पता नहीं कहाँ से लेके आया कालवा। अरे घुमक्कर कालुआ कहाँ से लेके आए इसको? हाँ वो, और जानते हो जब इसको लेके आया ना सुबह ही लेके आया है कालुआ इसको, तो अभी इधर उधर जाने के लिए वो मन ही नहीं करता इसको, इधर उधर पूरा थोड़ा सा भी नहीं घूमता, बस इसका देखभाल कर रहा है ये कालुआ। अभी जाएगा उसका पीछे पीछे अभी पता नहीं कहाँ से लेके आया कालुआ। ओ कालू कहाँ से लेके आए इसको देखो ए कालू कुत्ता छोड़ कालू। ओ कालू यहाँ पे पूरा क्या क्या लगा के आया, पूरा जंगल घूम घूम के लेके आया होगा कालुआ क्योंकि पता नहीं क्या लेके आया, छोटा सा डॉगी लेके आया और सॉरी मिले पता नहीं क्या क्या लग गया क्योंकि ना एक्चुअली ना दोस्तों अगर कालुआ ना घूमता है तो ऐसे रास्ते में नहीं घूमता, वो जंगल जंगल ही जाता है क्योंकि रास्ते में और दूसरा डॉगी हो ना इसको काट देगा, इसीलिए वो रास्ते में नहीं चलता है जंगल में ही जाता है वो जंगल में। वो रास्ता होता है उस तरफ भी तो जाता है, एक नंबर की तरफ भी जाता है, चलो 2 नंबर करने जाता होगा। हाँ रखेगा देखना पूरा सियाल की तरह, इसको भी लेके आया सियाले नाम। इतना हरामी हो तू लगता है इसको ना किसी ने वो छोड़ के चला गया होगा या उसका मम्मी इसको छोड़ के चला गया होगा, तो ये इसको मांस मस्कर आया पीछे पीछे, ऐसा हो सकता है इतना प्यार हाँ इसके साथ इसका पीछे पीछे रहता है। आलू हाँ इसको क्यों लेके आया तू? हाँ देखो क्यों लेके आया था इसको, लड़का है ना? हाँ लड़का है, इतना प्यार है वो इसको लेके आ गया, पता नहीं कहाँ से लेके आ गया कालुआ। मिर्ची भी धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं दोस्तों, पता नहीं आपको फिर से खरीद के हरा पड़ेगा हम लोग को मिर्ची क्योंकि वो ठंडी सीजन में इतना मिर्ची नहीं लगते है ना, इसीलिए गर्मी में लगता है सबसे ज्यादा मिर्ची। मिर्ची रे मिर्ची मिर्ची ले लो, एक पुआ मिला बस। ये कितने दिन के बाद खत्म हो जाएगा? ये 2 दिन खत्म हो जाएगा, 4-5 दिन बस हो। एक दिन में खाते हैं 100 ग्राम मिर्ची वाला, बहुत ही ज्यादा मिर्ची लगता है हमें। कालुआ ने बहुत ही अच्छा काम किया इसको लेके आके, तो मैं हम लोग इसका नाम रख देते हैं सीएलली। आए कालू म्यूजिक वहाँ इसको लेके आ गया है, पार्टनर बन बना रहे तू और इसको छोड़ नहीं पाते हैं, साथ में रहते हैं लगता है अपना बेटा के तौर पर इसको अदब कर लिया कालुआ म्यूजिक वहाँ घुमक कर दिन भर घूमते रहता है। ओ क्या
क्या सिखा रहे अपना बेटा को? हाँ वही सिखा रहे हो? ये है सबसे छोटा वाला मिर्ची और चिड़िया लोग बहुत ही ज्यादा खाते हैं जंगली वाला मिर्ची। हाँ जो पका वाला होता है ना सबसे ज्यादा खाते हैं वो चिड़िया लोग। चिड़िया लोग सब खा के फिनिश कर दिया। फाइनली कालुआ ने इसको अपना बेटा मान लिया, यहाँ पर रख रहा है। सुबह सुबह ये लेके आ गया, गिफ्ट दिया कालुआ हम लोग को। हाँ गिफ्ट दिया, गिफ्ट लेके आया हम लोग के लिए। किरानी लोग खीरा बोल रहे, किरानी जंगल का जारिया का फूल है ये, इसको लेके आया साथ में पीछे पीछे गिफ्ट लेकर आया हम लोग के लिए। तो ऐसे हम लोग दोनों रहते हैं कई दिनों से पप्पी। संतरा तो टेस्टिंग करते हैं, काफी बढ़िया है। फिनिश कर दो, अभी करेंगे फिनिश। इसको पहले फेंकते हैं। खाता है देखो। देखो ना इतना राक्षस है, संतरा भी खाता है, मेरा जैसा है ना ये भी, ये नहीं खाता है सर, देखते रहता है। ये संतरा खा दिया। कालू आ तो इसको देखभाल करो, ठीक है? खाने पीने का टेंशन मत लो। ए कालू ये संतरा खा रहा है। बारिश की खाना ना दोस्तों धूप में भी दे नहीं पाए, इसीलिए काला काला हो गया है। हाथों से लिए धनिया पत्ता। वाओ लोकल और तू होता ना लोकल ऑर्गेनिक गाजर। और यहाँ पे जितना भी है ना सब लोकल लोकल है, धनिया पत्ता भी लोकल और ये सीम भी लोकल और गाजर भी लोकल, मिर्ची भी लोकल, ये ना गाइस ये भी लोकल, ये ना ये पापा जी ने किंग सिली का जो पेड़ है ना वो लगाया था, लेकिन ये किंग सिली नहीं हो गया है, सेकंड सिली हो गया है, ये पब्लिक सिली हो गया है। आज खाएंगे हम लोग गाजर की सब्जी। एक्चुअली ये ना जेरी मामी ने मुझे दिया था वो उसका खेत से, हम लोग का तो अभी छोटा छोटा है, अगर हम लोग का बड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं गाजर का हलवा का वीडियो में बनाऊंगी। बहुत सारा डिमांड आ रहा है गाजर का हलवा का वीडियो। एक्चुअली मुझे तो इतना ज़्यादा गाजर का हलवा मैं बनाने नहीं आता है, लेकिन सीख जाऊँगी वो भी यूट्यूब से देख देख के। एक्चुअली ना दोस्तों ये सबसे से ज़्यादा मुझे वो कच्चा खाने में अच्छा लगता है, सब्जी बना के खाएंगे आज। ये बॉयल नहीं खाएंगे, ड्राई फिश भी नहीं देंगे, इसमें तेल मसाला डाल के खाएंगे। यहाँ पे मैंने सीम काट लिया है छोटा छोटा करके और टमाटर एक दे दिया है और ये वाला है गाजर, तो मैं आज तेल के साथ बनाऊंगी बिना ड्राई फिश के साथ। तो यहाँ पे मैंने दो किंग चिली कट के दे दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने चावल भी चरा दिया है,
बारिश में बनाया हमने अमली का सब्जी और साग भी बना दिया है। और ये है मेरा स्पेशल सबसे वाला बहुरिया टेस्टी हुआ है बिना ड्राई फिश के साथ भी, बस मसाला डाले है इसमें। तो अभी हम खाना निकालते हैं। और गैस हम लोग ना कल रात को खाना नहीं खाए थे, खाना भी नहीं बनाया, बस मैगी खाए थे। बस दो लोग थे, शिवो और हम, इसलिए हम लोग खाना भी नहीं बनाया है, बस मैगी खाके सो गए थे। अभी तो फिलहाल बज रहा है 12, तो बहुत ही ज्यादा तेज भूख लग रहा है मुझे। मैं तो अभी खाऊंगी। बितुल जी तो गया है वहाँ पे, वो पता नहीं क्या कर रहा है, बुलाया है उसको, वीडियो एडिटिंग कर रहा होगा। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, वो भी धीरे धीरे में आ जाएगा, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज भूख लग रहा है। खाना खाने के बाद दोस्तों थोड़ा हमने रेस्ट भी किया और कल हुआ और सियालो को भी नहा धुला के एकदम तैयार कर चुके हैं। यहाँ पे आ रहा है चुपके से सियाले, देखो ना ये ना चुपके से आता घर के ऊपर। अभी जाएंगे हम लोग रूपा मामा के घर पे, क्योंकि वहाँ पे नागालैंड से कुछ गिफ्ट भेजे हैं, तो देखने जाएंगे क्या क्या भेजे हैं। और मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है कि उन लोग ने मुझे मेरे लिए भी गिफ्ट भेजा है, इतना छोटी सी ब्लॉगर के लिए। और थैंक यू, मैं वहाँ पे जाके दिखाऊंगी मैं आप लोगों को क्या क्या भेजा है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं रूपा मामा के घर पे, वहाँ पे नागालैंड से कुछ सामान वगैरह भेजा है गिफ्ट। ये है नागालैंड का प्यार ट्रेडिशनल ड्रेस लगा के देखो। हाँ, सबसे पहले ये रेड वाला लगाओ, बहुत मैचिंग होगा। और जिन्होंने भेजा है मेरे लिए उन थैंक यू बोलना चाहूंगी। और बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया है और बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मैं। लोकल ट्रेडिशनल, हाँ तो पहन के देखती हूँ। उल्टा तो नहीं है? पता नहीं, नीचे वाला खोलते है। जो ये भी एक सब्सक्राइबर ने दिया है हमसा से, बहुत ही सुंदर है। और कैसे लगाते ये पता नहीं, लेकिन मैं इस तरह लगाऊंगी। और बताओ कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ, और मुझे तो बहुत ही ज़रा पसंद आ गया। और भी है, ये मेरे पास है, यहाँ में है, यहाँ में। और इसमें देखते हैं क्या है। ट्रेडिशनल या कानपुरी पूरा सेम इसका ड्रेस का साथ, नागा ट्रेडिशनल। हाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर, और ये भी पहन के देखती हूँ। पूरा प्योर नागा, बिस्सी सुंदर लगी। सब सेम टू सेम इयर रिंग दिया है, दीदी का भी मेरा भी सब सेम है। एकदम नागा नेशनल लगी से, बिस्सी सुंदर लगी से, नागा लगी से। कमेंट करके जरूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छे से पीछे की तरफ से भी इसको ना ऐसे लगाओ, ऐसे। हाँ उसको उसको, हाँ ऐसे करके लेता है मोर के, ऐसे। एक्चुअली मुझे ना आता नहीं है। वाह बिस्सी सुंदर लगी से दे, हाँ लगा नेशनल लगी से। अभी ये देखती हूँ, वो भी लगा के देखो, वो भी मेकला है। ये भी सुंदर है, मुझे पसंद आ गया है। जिन्होंने ये मेकला भेजा है उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बहुत ही ज़रा मुझे पसंद आया, थैंक यू। और गाइस मंजीता के लिए भी कुछ सामान वगैरह मिला है, तो अभी देखेंगे हम भी कैसा है। मौसी गया है अंदर में कपड़ा लेने के लिए, तो देखते है कैसा। मेरा वाला तो बहुत ही ज़रा पसंद आ गया है मुझे। वाओ बिस्कुट भी मिला, बिस्कुट नहीं है उसके अंदर में इसका पूरा साल भर का। देखो ये कलर पेंसिल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, बहुत ही है इसमें, बहुत ज्यादा है। और ये देखो बैग, इतना बैग नहीं, बर्बी दो। देखो कितना सुंदर, हमने सुना ऐसा तो बहुत पसंद है, ऐसा उल्टा करके था, हमने सुना बैग है। ये इयर रिंग्स मैंने लिया है, और ये भी इसमें भी मिला है। ये एक्चुअली दिमापुर ज्वेलरी से है, अगर कोई देख रहा है तो इंस्टा में उसको जरूर से फॉलो कर सकता है। ये लोग खुद का प्रोडक्ट है ये सब। ये तो सुंदर लग रहा है मुझे। हाँ। ये वाला। और ये सब मंजिता के लिए क्लिप, हाँ आधा मंदी को दे दिया इसमें से। ये देखिए ये भी तो बहुत सुंदर है। हाँ उसको वैसे भी बहुत पसंद है ऐसा। ये देखो ये देखो, बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये ना, बहुत सुंदर है ये। उसको बहुत ही पसंद है ऐसा ड्रेस, प्रिंसेस टाइप का। और तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो इतना पसंद आया, देखो बचपन में हम लोग कितना तरसते थे ऐसे पहनने के लिए। मुझे तो पहनने किस्मत नहीं है, नहीं है सबको। एक तरफ से मेरा बेटी बहुत ही लकी है।
हाँ। तो गाइस शाम भी हो रहा है, अभी हम लोग का घर पे जाना है। जो गिफ्ट भेजा है मैं यहाँ पे लिए हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मैं घर में जाकर भी आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे रूपा मामा लाइव कर रहा है, उसका 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए। तो अभी चलते हैं घर पे। यहाँ पे बिस्कुट नहीं है, इसमें मुझे सब्सक्राइबर ने गिफ्ट दिया है। तो गाइस और गाइस ये जिन्होंने मुझे भेजा है ट्रेडिशनल ड्रेस, ये मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और मुझे बहुत ही पसंद आ गया है, और वहाँ से मुझे बहुत सारा नागालैंड से प्यार करते हैं, और मेरा क्या व्यूअर फ्री है, उन लोगों को मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और बहुत सारा सामान दिया है। कैमरामैन पकड़ो, एक एक करके दिखाना पड़ता है। और ये भी है, और मिकला का साथ है, ये दुपट्टा ही कहेंगे हम लोग, ये भी बहुत ही ज़रा सुंदर है। और ये वाला, अगर इसमें वो नाम वगैरह होता तो मैं नाम बोलकर उन लोगों को मैं थैंक यू बोलती, लेकिन नाम भी नहीं है। और यहाँ पे जो ये रिंग, क्या कहेंगे इसको, रिंग ही बोलेंगे, और ये भी बहुत ज़रा सुंदर है, और जिन्होंने भेजा है उन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इतना सारा प्यार देने के लिए। और सिर्फ इधर आओ, मेरे लिए क्या क्या भेजा देखो तुम भी। ये है मेखला, और ये है झुमका। सब रेड रेड ना, लेकिन मुझे बहुत ज़रा पसंद आ गया है ये। बस एक ही पहनूंगी, देखो कैसी लग रही हूँ, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। और गाइस मुझे इतना भी बोलना नहीं आता है, और मैं इतना अच्छे से वो हिंदी भी बोल नहीं पाती हूँ, और जितना मैं थैंक यू बोल रही हूँ वो दिल से बोल रही हूँ। तो गाइस मुझे आज का ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करके फिर अपलोड भी करना है, एडिटिंग भी करना है, क्योंकि शाम भी हो रहा है। और दोस्त नागालैंड से जो जो सामान भेजा है, मेरे लिए गिफ्ट भेजा है, मैं उन लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, इतना सारा प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, मुझे तो इतना पता नहीं था, लेकिन आज पता चला मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। और दोस्तों जितने भी नागालैंड से सब्सक्राइबर है, मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और मुझे इतना भी बातें इतना अच्छे से बोलना नहीं आता, हिंदी इतना से अच्छे से नहीं आता मुझे, इतना मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, कभी कभार में भी थोड़ा मोरा वो रूपा मामा से सीखी हूँ, बाला से दे इन्हें का कुछ बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ऐसे बहुत सारा है सब्सक्राइबर, हिमाचल से है, और ऐसे झारखंड से है, जितना भी है जहाँ से भी है, मैं उन लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ इतना सारा प्यार करने के लिए, प्यार देने के लिए। और गाइस अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, तो बाय बाय और गुड नाइट भी।